मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर लंबे समय के बाद बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यह अपडेट इस वजह से भी बड़ी है क्योंकि किसान अब अपने अपने कृषि कार्यों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बड़ी अपडेट यह है कि राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते 16 और 17 अक्टूबर को राजस्थान के कुछ इलाकों में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 16 और 17 अक्टूबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के अलावा हरियाणा से लगते जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन तक पूर्वी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में 16 व 17 अक्टूबर को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान के लिए फिलहाल मौसम विभाग का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालौर, हो सकता है यहां पर 1-2 स्थानों पर बादल छा जाए, लेकिन बारिश की संभावना मौसम विभाग ने खासकर इन जिलों में नहीं जताई है। 16 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 17 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारन, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, करौली, कोटा, सेकावाटी अंचल के कुछ स्थानों पर और सवाई माधोपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के भी मात्र कुछ स्थानों पर बादल आ जाए, लेकिन यहां पर बारिश की संभावना काफी कम है। यानी कि पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की सीमा से लगने वाले जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो जाए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में किसानों को यह चिंता जरूर सताने लगी है कि कहीं बारिश उनकी फसलों को खराब न कर दे, और इसी वजह से कहीं न कहीं मौसम विभाग किसानों के लिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी है, ताकि जितना हो सके किसान उतनी अपनी व्यवस्था करके रखे। यानी कि जितना प्रबंध अपने स्तर पर हो सके उतना कर ले, ताकि फसलें ज्यादा खराब न हो। हालांकि पूर्वी राजस्थान में भी कोई खास भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हो सकता है कुछ स्थानों पर 16 और 17 अक्टूबर को बूंदाबांदी हो जाए या कहीं पर हल्की बारिश हो जाए। तो यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से आप अपडेट रहे। धन्यवाद।